जिसको ऐसे भाई बाहर का सीन आ रहा कैमरा लिटरली। कर दे, हाँ कर दे, बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। ये तो तुमने कोई काम नहीं किया लिटरली, बताओ, बस रील देख रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, उसके अलावा कोई काम है तुम्हारा? मम्मी का फोन है। कौन सी मम्मी का? मेरे। हेलो, हाँ मम्मी, आप ठीक हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हो? ठीक हो, हैं? भाई यहाँ लगी गर्मी। और अभी हम दिखाते हैं आपको शिमला का व्यू। ये देखो भाई, पूरा शिमला दिख रहा है ऐसे यहाँ से। Wait a minute. Who are you? Oh shit. Here we go again. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेट। बच गया भाई, नहीं कौन से किसी वो थी यस टू वन ईयर एंड मेनी मोर निशा एंड मेनी मोर इयर्स एंड तो बच्चा चलो गाइस, हो गया। चलो गाइस, बच्चे देखेंगे आगे। भाई तुम्हारा नाम छोड़ो, मैंने वाली फोटो खींचो, इनका नाम नहीं कर रहा है आगे से। ये अंधेरा का फायदा उठाते हुए दोनों मियां बीबी ध्यान से देखिए दरिंदा। नहीं आते जो पेरेंट्स अपने साथ आते हैं, अंकल को पेलेंगे बीबी। बन रही है? हाँ हाँ, आ जाओ। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो इतनी सारी मस्ती के बाद तो हमें लग गई थी बहुत भूख, और हमने पूछा तो हमारा डिनर भी रेडी था, रूम में रखा हुआ। तो हमने थोड़ा टाइम से डिनर करते हैं पहले, इससे पहले कि खाना वाना जो है वो ठंडा हो जाए, तो हम इसलिए रूम में चले गए। नीतू चाहिए
पहुंचो। तोड़ फोड़ के मत देना तुम। ये वीडियो बन रही है ना शुभम? नो गॉड प्लीज नो नो नो। वीडियो अच्छी लग रही है पर ये भी देखना, पता नहीं शायद इनके पास क्या है क्या नहीं है। ये दे तो कच्चा ही रहे हैं। क्या कच्चा दे रहे हैं? ये जैसे ये भी साइड साइड से कच्चा है। क्या बना नहीं रहा? पापड़। तो फिर अगली सुबह हमने होटल से जल्दी चेकआउट किया क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन थी एंड उससे पहले हमें काफ़ी जगह घूमना भी था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा होटल काफ़ी नीचे था रोड से जहां तक कि गाड़ी आ सकती थी, हमें काफ़ी पैदल जाना पड़ा। तो ये चीज़ आप लोग भी पहले ही चेक करें कि जो आपका होटल है वो रोड से कितना दूर है ताकि आपको कम से कम चलना पड़े विद प्रोस्थेटिक। तो भाई क्या है ये? ये है सिड्डू। सिड्डू शिमला का फेमस। क्या तुमने खाया सिड्डू? मनाली में फर्स्ट टाइम ट्राई करा था मैंने। तो ट्राई करें फिर अभी। मैंने तो पहली बार किया। ये तो मुझे भाई क्या है ये, बंद सा लग रहा है तो बट ये खुला हुआ है। अरे नहीं देखो कैसे ये बनता है सर, वो तो अच्छा रहा चटनी साथ ना, नजारे लगे। अच्छा मेरे को ये बताओ जो बाहर का वो वाइट वाला पोर्शन है वो क्या है? सामान थोड़ा वाइट चटनी मांगो उससे और यार तीखी है ना। तीखी छोड़ो अभी तो फीका भी तीखा लग रहा है। यहाँ तो बारिश हो रही है। चटनी मांगो यार एक प्लेट में चटनी। मेरीज भी देखी क्या? क्या सीन है? रास्ता कहाँ से है भाई? हाँ ऐसे रहे पैदल से तेज चल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं एडवांस स्टडीज़ जो कि ऊपर आ गया रास्ता, तो हम गेट तक पैदल जाएंगे, वहाँ से हमें गाड़ी लेके जाएगी। तो ये लोकल जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया था हमें यहाँ जगह घूमने के लिए। कोई नहीं है। जगह भी अच्छी आ रही है। निशा थोड़ी वीडियो बना मारी है, मेरी कोई वीडियो नहीं बनाता यार, मैं सबकी वीडियो बना के बच गया हूं। हां और व्हीलचेयर प्लीज कॉन्टैक्ट एट द सीट काउंटर, ठीक है? व्हीलचेयर वाले भी आ सकते हैं। तो एडवांस स्टडीज़ जो है वो घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी और लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, चारों तरफ हरियाली और फॉरेस्ट वाला एरिया भी बहुत अच्छा था काफ़ी। बाकी अंदर जो जहाँ लोग जा रहे हैं राइट तरफ, यहाँ पे मूवी वगैरह भी लगती है, डॉक्यूमेंट्री कुछ दिखाते हैं, बट हम पे इतना टाइम नहीं था क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन थी वापस जाने की। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग शिमला का प्लान कर रहे हैं इफ़ यू आर एन एम्पटी, तो मेन चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वहाँ जो टेरेन होगा वो अप डाउन होगा। तो अगर आप चल सकते हो प्लेन में अच्छे से और आपको लगता है कि आप ऐसी ट्रेन में भी चल पाओगे जहाँ पे कि आपका टेरेन कभी स्लोप अप होगा कभी स्लोप डाउन होगा, तो आप डेफिनेटली विजिट करो। एंड अगर आपको लगता है कि मैं नहीं चल पाऊँगा तो व्हीलचेयर से भी आप जा सकते हो, जितनी भी प्लेसेस हैं हर जगह वो व्हीलचेयर अकोमोडेशन है। You know.
मैंने जैसे ही वो किया ना क्या कैप पीछे के लिए घुमाई हुई मेरे आगे से बाल देते आगे से थोड़ी दिख रहा था नहीं नहीं पर मैं वैसे बोल रही हूँ ना भाई यहाँ नहीं चलते यार फिसलन हो जाएगी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा ऊपर आगे चलते हैं और ये देखो शिमला में ये कुत्ता भी दुखी हो रखा है भाई तेरी भी शादी हो गई है क्या हेलो क्या कर सकते हैं भाई भाई कितनी लंबी लाइन लगी है पैदल भी आ सकते हो तो कहाँ नहीं गई तू आई क्यों हमारे साथ तू सब जगह तो जा रही है हैं मेरे पास है जैब में तुझे इधर आ जाओ पूरे के पूरे शाबाश जैसे उल्टी आती है इधर आ जाओ खिड़की के साइड भाई कितने लिफ्ट हैं भाई यार कितनी परसेंट कैपेसिटी 544 kg यानी निशा और मैं जा पाएंगे सिर्फ अभी Are you stupid or something? नल इसे नल खाना स्ट्रॉबेरी हनी फ्रूट चाट फ्रूट आ गया मीठे वाला फ्रूट वो देख लेना लो भाई ले लो कुछ लेना है तो थोड़ा आगे ले आना यहाँ पे थोड़ा देर लगा होगा एक दिन साथ में कौन सा बढ़िया लग रहा है हेलो कौन सा मेरा बहुत सॉफ्ट है हाँ दिखाओ अरे जो मेरा है एक्चुअल वाला उसका तो कपड़ा अलग होगा ना फिर हाँ वो सारा कहाँ से लिया था वो तो वहाँ से ठीक है और क्या कहते हैं ये लिखना आप नीचे को हेडिंग डालना क्या लिखूं द ज्वेल्स ऊपर लिखना हेडिंग कैपिटल में JUYALS ये कैपिटल में लिखना ठीक है और नीचे ये बाकी आप डिज़ाइन जो भी करोगे वो इन तो बड़ी लेता आपसे यार मैं शाम को आएगा शाम तक रुक के शाम की ट्रेन है शाम की तो है नेम प्लेट बना रहा हूँ घर के लिए छोटी सी बड़ी है नहीं ख़त्म होगी चलिए हम तो थोड़ा आगे ओके जाओ तुम जाओ कॉल फ़ोन ऑन रखना बस एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ सब लोगों के साथ कि अगर आप एन एम्प्यूटी हैं और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी तो एक एलएनके का सेट अपने पास पक्का रखिए क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब कौन सा स्क्रू कहाँ से लूज़ हो एंड वैसे तो हम चेक करके निकलना चाहिए हमें जब भी हम किसी ट्रिप पर जा रहे हैं तो अपना फैसिलिटी पक्का चेक करो कि वो सही शेप में है कि नहीं है कोई स्क्रू उसका लूज़ तो नहीं हो रहा कोई जॉइंट कहीं से आवाज़ तो नहीं आ रही या जो भी चीज़ है तो इन चीज़ का पक्का ख्याल रखें नॉर्मल प्लेन मोमोज ये किसकी हमारी है कितने थी भाई कहाँ गए वो अभी हमारी 1 घंटे में ट्रेन है और हम घूम रहे हैं अभी मॉल रोड में निशा गई अपने लिए पेस्ट्री लेने और ये लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं और मैंने एक नेम प्लेट ली थी अपने घर के लिए कोई पता नहीं इसने बनाई हुई नहीं बनाई हुई अच्छी है बन गया क्या इधर को गया था तो हम लगता है निकल लिए आपको लगा हम चले गए भैया नजर थी तुम पे
अच्छा संतरी वाला आया ना वो कस्टमर आप ही थे। अरे यार मैं पता है हमने सोचा था हम थोड़े टाइम के लिए जाएंगे दिखाने के अभी थोड़ा चिपचिपा है। अच्छा आप तो नहीं होगा ना? ना सर अब तो जैसे मर्जी यूज करो। लो पानी वानी पेमेंट कर दिया आपने क्या? अरे हमने सोचा हम आधे घंटे ले जा रहे हैं बट लेट हो गया। अच्छा अभी आ रही है यार क्या? ग्रुप बनाते हैं तो शिमला के ट्रिप में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मेमोरीज लेके जा रहे हैं हम अपने साथ में। एंड हम शिमला आए इसलिए थे क्योंकि हमारी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैं अपने कज़न्स के साथ हम अपने कज़न्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ आए थे। तो काफ़ी मज़ा आया हमें, काफ़ी चैलेंजेस भी फेस हुए, जैसे कि हमारा होटल कहीं कहीं पर ऐसी लोकेशन पर था जो कि काफ़ी पहाड़ी से नीचे थी, काफ़ी कहीं पर पैदल चलना पड़ रहा था, कहीं पर टेरेन ही बहुत ख़राब था। तो ये चैलेंजेस आपको फ़ेस करने पड़ेंगे। बाकी आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप बैकग्राउंड चेक करो, जहाँ पे भी आप होटल वगैरह ले रहे हो वहाँ पे देखो कि होटल किस लोकेशन में है, वहाँ से डिस्टेंस कितना दूर है, पैदल चलना है कि नहीं चलना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो ट्रैवल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने तो ट्रैवल बहुत हमारा जो कि बहुत कम्फर्टेबली निकला है यहाँ पर, टाइम बहुत मज़ा आया। एंड आप लोग भी जो भी MPT है, मैं कह रहा हूँ कि इधर उधर घूमो फिरो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी MPT या कोई भी पर्सन किसी चैलेंज की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो एक जगह पर बैठा रहे कि मतलब बाइंड हो जाए कि मैं बाहर जा नहीं सकता, मैं घूम नहीं सकता। तो ट्राई करो यार, क्योंकि ट्राई करोगे तो ये अडेप्ट करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, और आप लोगों को अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक भी करो। बाकी मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अंडमान की ट्रिप गया था, उसकी भी वीडियोज़ काफ़ी रह रही हैं, तो देखूँगा नेक्स्ट कुछ दिनों में वो भी डालता हूँ, क्योंकि वीडियोस बहुत मेरे पास पड़ी हुई है पेंडिंग, बट वही है कि एडिटिंग का और इन चीज़ों का टाइम मिल नहीं पाता मुझे। बट अभी मैंने शुरू किया दोबारा इन चीज़ों को रिज्यूम, तो थैंकफुली चीज़ें आएंगी, अभी वीडियोस वगैरह बनेंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, एंड तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखो, अपने प्रोस्थेटिक लेग को चेक करते रहो, एंड वॉक सेफ, ड्राइव सेफ, बी सेफ एंड हेल्दी। टाटा, बाय बाय।